जयदीप जयदीप जय मंगल मूर्ति, यूं तो मैं आपको गा के सुनाती, लेकिन आसपास बैठे सभी लोगों ने मुझे गाने से मना किया है। वो क्या है ना कि गणेश जी की प्रेजेंस में जाहिर सी बात है कि एनर्जी लेवल्स एक अलग ही हाई पे रहते, लेकिन हर कोई ये बात समझ नहीं पाता ना। बहरहाल जितनी धूमधाम से गणेश जी का स्वागत किया जाता है, यकीन मानिए उतनी ही धूमधाम के साथ उनको विदा भी किया जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ये है चाहते के सेट पर, जहां हमारे रुद्र और प्रीशा ने गाजे बाजे के साथ 5 दिन के गणेश जी का विसर्जन किया। बप्पा को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो जाते हैं तो अपने भक्तों का विघ्न हर कर जाते हैं, जिसकी खुशी ये है चाहते के कलाकारों और क्रू पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रीशा, रुद्र और उनके बच्चे मस्त मगन होकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि बप्पा जा रहे हैं और उनको वो खुशी खुशी विदा करना चाहते हैं। ये है चाहते के सेट पर भी बप्पा आए थे, जिनका 5 दिन बाद विसर्जन हो रहा है। भाई ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, हमारी टीआरपी आई होप की सबसे ऊपर जाएगी, नंबर वन हो जाएगा हमारा। वैसे भी है लेकिन और हम आसमानों को छुएंगे। क्या भाई, क्या बिल्कुल बोलता? बिल्कुल, हम ऐसी तरक्की करते रहेंगे और सब साथ में तरक्की कर रहे हैं। और बहुत आज का दिन जो था बहुत स्पेशल था हमारे लिए, और हमने साथ में मिलकर फुल ऑन धमाल किया है सेट पे, बहुत मज़ा आया और आगे भी होप करेंगे कि ऐसा ही हमारे सेट पे होता रहे। प्रीशा और रुद्र के डांस पर से किसी की नज़र ही नहीं हट रही है, दोनों दिल खोल कर नाचते हुए नजर आए। प्रीशा कभी रूही संग, कभी सारांश के साथ, तो कभी अपने बाकी कलाकारों के साथ बेतहाशा डांस कर रही है। ऐसे में रुद्र भी किसी से कम नहीं थे, और हाँ यूनिट के लोग भी जमकर प्रीशा और रुद्र का साथ दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे साथ नाचे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बप्पा का विसर्जन तो हो रहा है, लेकिन ये अपने भक्त से वादा करके जाते हैं कि अगले साल फिर मिलेंगे, और भक्त भी यही चाहते हैं कि बप्पा कभी अलविदा ना कहना। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।